Students, in the previous class we have discussed about economic objectives. Now we are going to study social objectives. So let's see what is social objectives. Social objectives means those objectives which is done for the benefit of the society. It means in this objectives businessmen have to do the work for the benefit of the society. It includes that the businessmen or the business could not smooth running in future or could not grow in future without the benefit of the society. It means ki business customers se include banta hai. कस्टमर्स सोसाइटी से होते हैं, तो जब तक कस्टमर्स की नीड्स और डिमांड्स को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा सोसाइटी बिजनेस से या बिजनेसमैन से सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब तक उनका बिजनेस स्मूथ रन में या ग्रोथ उनकी सर्वाइवल आगे फ्यूचर में नहीं हो पाएगी. इसीलिए बिजनेस सारे बिजनेसमैन को अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी लेकर चलना होता है. सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी की जितनी भी बेनिफिट्स की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वर्क बिजनेसमैन करेगा वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही होनी चाहिए. इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट पॉइंट वी हैव सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस. सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब बिजनेसमैन अपने जो भी कंपनी में प्रोडक्ट्स बनाए वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहिए एट फेयर प्राइसेस. मतलब जिस टाइप के प्रोडक्ट्स में वो डील कर रहा है वो क्वालिटी वाइज बेस्ट होने चाहिए. उनको कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो प्लस रीजनेबल प्राइस पे उनको प्रोवाइड करना चाहिए. ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे जो क्वालिटी वाइज अच्छे होंगे उनसे ही कस्टमर्स की नीड्स और इंक्रीज़ होगी और नीड्स इनकी और इंक्रीज़ होगी तो सेल्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का इंक्रीज़ होगा और सेल इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा. तो हर बिजनेसमैन की ये ड्यूटी होती है कि वो हर कस्टमर को क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट सप्लाई करे प्लस रीजनेबल रेट पे. नेक्स्ट वी हैव अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं उनको किसी भी एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मींस द वर्क व्हिच इज़ इलीगल. इस टाइप की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. अपने बिजनेस को स्मूथ रन बनाने में या सर्वाइव करने के लिए उनको किसी भी ऐसी इलीगल वर्क में इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. लाइक ब्लैक मार्केटिंग, लाइक एडल्ट्रेशन, दीज एक्टिविटीज़ आर इलीगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट. ऐसे कोई भी इलीगल वर्क ना करें जिसका सीधे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़े सोसाइटी पे. क्यों? क्योंकि यहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ सोसाइटी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो इलीगल वर्क करके अपने बिजनेस को हमें स्मूथ नहीं करना है, हमें सोसाइटी को ध्यान में रखकर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी है जिससे हमारा बिजनेस भी अच्छा स्मूथ रन हो प्लस हमारी जो सोसाइटी है वो भी हमसे सेटिस्फाइड हो. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. आपको तो पता होगा हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स कि ये हर बिजनेस एंटरप्राइज की ड्यूटी है कि वो अपने कंपनी में अपने एंटरप्राइज के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सोसाइटी को, लोगों को इनवाइट करें या जनरेट करें. अपने बिजनेस
या अपनी कंपनी के ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करें। इससे क्या होगा कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं और उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास नॉलेज है, वो वर्क कर सकते हैं एंटरप्राइज में, तो वो भी आके इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वो उस टाइम जब वो अनएम्प्लॉयड थे, अब उनको क्या हो गया, वो एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ गए। तो ये पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है कि हर बिज़नेस एंटरप्राइज की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी कंपनी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, बिना किसी कास्ट रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन के। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग रिलीजन के या कास्ट के बेसिस पे, हालांकि वो पर्सन एक्चुअल डिज़र्विंग होता है, लेकिन लोग कई बार जगह पे लोग रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे उनको वर्क नहीं देते, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या पोल्यूशन, हम यहाँ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस या हमारी इंडस्ट्री या हमारी जो भी इंटरप्राइजेज है, उसकी वजह से हमारा आसपास का लोकेलिटी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो पोल्यूट ना हो, पोल्यूशन हमारे इंडस्ट्री से क्रिएट ना हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी डिस्पोजल हुए हैं, स्मोक हैं, वेस्टेज है, वेस्टेज वाटर है, जो भी केमिकल्स हैं, उनको प्रॉपरली एक जगह पे डिस्पोज करना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट विदाउट एनी पोल्यूशन आगे हो सके। हमारे कंपनी, हमारे इंडस्ट्री की वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी सर्विस। अब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिज्म, मींस कम्युनिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो सारी सर्विसेज जो बिजनेस मैन को, बिजनेस एंटरप्राइज को, कम्युनिटी को देना चाहिए। कौन सारी सर्विसेज, ताकि इनडायरेक्ट वे में उसके बिजनेस का प्रमोशन हो सके। लाइक कि आप अपने बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं, जो भी रेवेन्यूज हुए, एक्स्ट्रा रेवेन्यूज, उसको आप अलग करके उनसे आप अपने जहाँ भी आपका बिजनेस सेटअप है, वहाँ आप स्कूल बनवा दें, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवा दें, डिस्पेंसरीज बना दें, या जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, उसको आप अलग करके वो मनी आप किसी पुअर पीपल को या किसी स्लम्स एरियाज़ में उसको आप डोनेट कर सकें। इट मीन्स कि हम चैरिटी की बात कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल्स से खुलवा दें, चाहे डिस्पेंसरी, चाहे हॉस्पिटल, या मनी डोनेट कर दें, ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम कम्युनिटी को दें जहाँ पर हमारा बिजनेस सेटअप है। उससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली आपके बिज़नेस का प्रमोशन होगा, आपके बिज़नेस की रेप्यूटेशन होगी, आपकी एक पब्लिक इमेज फॉर्म होगा, आपके बिज़नेस का एक जो रेप्यूटेशन है, गुडविल है, वो अच्छी बनेगी, और दूसरी तरफ आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होगा। लास्ट पॉइंट, वी हैव वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर बिजनेस इंटरप्राइज के लिए क्या है, एम्प्लॉयज़, वो वर्कर्स जो उनके कंपनीज में, उनके एंटरप्राइज में वर्क कर रहे हैं, वो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उनके लिए तो वर्क बनता ही है, उनके वेलफेयर के लिए वर्क बनता है। एम्प्लॉयज़ को आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है, उनके लिए, उनके हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आपको वर्क करना है। क्या क्या कर सकते हैं, लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन करके किसी एम्प्लॉयज़ को आपने कुछ एक्स्ट्रा मनी दे दिया, या फिर आप उनको फेयर वेजेस पे रखें, मतलब जो एम्प्लॉई जिस कैटेगरी का है, जो जिस स्किल के लिए सूटेबल है, उसकी आप प्रॉपरली फेयर उनको उतना ही वेजेस दीजिए जितने के लिए वो हकदार हैं। प्लस उनको जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, मतलब वर्किंग कंडीशंस उनको अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर एयरी और कूल प्लेस होनी चाहिए जहाँ वो वर्क कर रहे हैं, ताकि उनका काम करने में भी मन लगे, और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करते रहिए, और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे सकते हैं, लाइक उनको आप रहने के लिए, खाने के लिए मनी दे दीजिए, या फिर आप उनको मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए और इंश्योरेंस दे दीजिए। ये सारी चीज़ें जो है आप एम्प्लॉयज़ को देंगे, तो अल्टीमेट एम्प्लॉयज़ भी, उनका भी
वेलफेयर होगा और ये तब जाकर आपका सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव वी हैव ह्यूमन और वी कैन से इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसके पॉइंट्स काफ़ी लेंदी थे तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट बुक से आपको डिक्टेट कर देती हूँ और एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो व्हाट इज़ ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, इट मींस दीज ऑब्जेक्टिव्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ इंडिविजुअली ह्यूमन की बात हो रही है, यहाँ एम्प्लॉयज़ के अलग व्यू होंगे, जो वर्कर्स हैं वो उनके अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो मतलब अलग अलग लोगों के लिए आपको एक इंडिविजुअली एक अलग अलग पर्सन के लिए कैसे उनके वेलफेयर के लिए आपको वर्क करना है। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए अलग आपको वेलफेयर के लिए सोचना होगा, और मैनेजर्स वगैरह हैं या जो टॉप लेवल हैं मिडिल लेवल हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं उनके लिए आपको इंडिविजुअली अलग सोचना होगा कि कैसे इनका वेलफेयर हो। तो यहाँ पर अलग टू मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करेगा ये ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। जैसे कि अभी हमने एम्प्लॉयज़ के लिए बताया, तो वो वर्कर्स वो एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं तो जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं उनको प्रॉपर हेल्दी और सेफ़ वर्किंग कंडीशन हो, ताकि वो भी सोचें कि हाँ जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ वो कंडीशंस बहुत प्रॉपर है, अब हम यहाँ पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो वो हेल्दी भी होनी चाहिए प्लस सेफ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टू पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। वो एम्प्लॉयज़ वो वर्कर्स जो स्किल वाइज टॉप हैं मिडिल हैं लो हैं, उनको उनकी स्किल वाइज उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर सैलरीज और प्रॉपर वेजेस या पर्क्स उनको देने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। पर्सनल ग्रोथ कब होगी किसी भी एम्प्लॉयज़ को, जब आप उसे पर्टिकुलर इंडिविजुअली उनके ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। और इंडिविजुअली ग्रोथ कब होगी, जब उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उनका इंडिविजुअली प्रॉपर इंश्योरेंस होगा, या उनकी फैमिली को हेल्थ और केयर फैसिलिटी मिले, तो तब उनका क्या होगा, पर्सनल ग्रोथ होगी। नेक्स्ट टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मीन्स कि उनको ऐसी सर्विसेज देना ताकि उनको ये लगे कि हाँ उनकी सर्विस जो है उनकी जॉब जो है वो सिक्योर है। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए आप उनको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं, ताकि वो मोटिवेट हों और उनका काम में भी मन लगे और उनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। नेक्स्ट टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर्स। अभी हमने बताया कि वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम उनको अवार्ड रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स देना चाहिए, ताकि उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट टू इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू मेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को भी टाइम टू टाइम इनिशिएट करना चाहिए कि वो अपना